और जर्नलिज्म क्लास में आपका स्वागत है। बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के, जो सीएचओ में पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन ऑरसेट का जो रिज़ल्ट आया उससे कुछ लोगों को खुशी हुई है, कुछ लोगों को काफ़ी निराशा हाथ लगी है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम आते जाते रहेंगे, आप मेहनत करते जाइए, कंटिन्यूटी रखिए, आपको सिलेक्शन पक्का होगा, एक दिन ज़रूर होगा। देखिए, पहला लिखा हुआ जननी सुरक्षा लॉन्च कब हुआ था, 1 जून 2011 को, जननी सुरक्षा 2011 को। इसके अलावा NRHM जो है वो 5 अप्रैल 2005 को, और अर्बन जो हेल्थ मिशन है वो 2008 को, 0.8 से 0.8 mg पर लीटर फ्लोराइड पाया जाता है नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। देखिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना, स्वीट पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, अंडर 5 क्लिनिक को वेल बेबी क्लिनिक भी बोलते हैं। साल्टर स्केल जो होता है, बीम आपने देखा होगा, जो अपने जो ताकड़ी बोलते हैं इसको, तो वो LBW मॉनिटरिंग के लिए अपने चेक करते हैं। इसके अलावा जो VDR जो टेस्ट है, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी जो टेस्ट है, वो STD के लिए करते हैं, ये कन्फर्मेटरी नहीं है। FTA जो है, फ्लोरोसेंटर ट्रिपनोली एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो है, ट्रिपनॉर्मल एब्जॉर्प्शन जो टेस्ट है, वो STD के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट है। उसके बाद में देखिएगा, सिक जो टेस्ट होता है वो डिप्थीरिया के लिए करते हैं, और डिक टेस्ट किसके लिए करते हैं, डिक जो सिक टेस्ट है वो डिप्थीरिया के लिए, डिक टेस्ट स्कारलेट फीवर के लिए करते हैं। कौन से फीवर के लिए? स्कारलेट फीवर के लिए। देखिए, थोड़ा आवाज़ में ख़राब है इसलिए ऐसा आ रहा है। क्लासिकल जो डेंगू फीवर होता है उसको ब्लैक बॉर्न फीवर कहते हैं, और ब्लैक वाटर यूरिन किसके अंदर आता है, मलेरिया के अंदर। इसके बाद में मीजल्स को जो बोलते हैं, रूबियोला बोलते हैं, मीजल्स को रूबियोला बोलते हैं, ध्यान रख लेना, रूबियोला, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, रूबियोला बोलते हैं। और जनरल मीजल्स को जो बोलते हैं वो रूबेला बोलते हैं। लेप्रोसी का दूसरा नाम होता है हैंसन डिजीज, और सबसे ज़्यादा जो क्रैनियल इफेक्ट, सॉरी नर्व इफेक्ट होती है वो होती है क्रैनियल, नहीं वैसे नर्व जो होती है वो होती है अल्नर। डिप्थीरिया को ही वूपिंग का बोलते हैं, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ड्रॉपलेट के द्वारा ये ट्रांसमिट होती है। ट्यूबेक्टोमी परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है फीमेल के अंदर, वैसेक्टोमी परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है फीमेल के अंदर। रेड क्रॉस सोसाइटी की खोज किसने की थी, हेनरी डोरेंट ने, और 1919 के अंदर। MMR को मेटरनल मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं, और कितने पे करते हैं, 1 लाख पे चेक करते हैं, कितने पे, 1K पे चेक करते हैं। और जो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट था वो आया था 1969 के अंदर। और जो डेथ और जो अपने डेथ रजिस्ट्रेशन और बर्थ रजिस्ट्रेशन करते हैं वो 21 दिन पे करते हैं, 21 दिन तक हो जाना चाहिए, कितने दिन, 21 दिन, दोनों का याद रखना 21 दिन है, कहीं कुछ लिखा हुआ कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में 8 मई 1980 को वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स क्या हो गया था, इरेडिकेट हो गया था, ये डिजीज़ नहीं रही थी। और पोलियो वैक्सीन को स्टोर करते हैं -20 पे, यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है सभी को उसी किस पे स्टोर करते हैं, तो मैं बता दूँ हमेशा PM जो होता है वो ठंडे इलाके में रहता है, तो मतलब फ्रीजर वाले एरिया में रहेगा। PM का मतलब P से पोलियो, और M का मतलब मीजल्स। क्लियर है भैया? नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंट लेडी होती है उसको, प्रेगनेंट मदर को कितने, 2 TT के इंजे डोज लगती है, 0.5 ml लगती है, और डेल्टॉइड मसल में लगती है, और IM रूट से लगती है, ये आपको याद रखना है। एज सून एज पॉसिबल लगा दो पहला TT और दूसरा 4 वीक के बाद में, मैं कह सकता हूँ 1 मंथ के बाद में लगा दो। उसके बाद में आ गया पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, देखिए 3 प्रकार के, एक तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था, दूसरा एक्सपेंडेड EPI आया था, और तीसरा आया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कौन सा आया था? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, याद करने का, याद रखना GEU, गेहूं जो होता है ना, गेहूं। तो देखिए ग्लोबल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था 1974 के अंदर, एक्सपेंडेड जो आया था 1978 के अंदर E4188, उसके बाद में यूनिवर्सल जो आया था 1985 के अंदर, वो कब आया था, 1985 के अंदर। ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। उसके बाद में ट्रांसप्लेसेंटल वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है मोस्टली एड्स सिफिलिस वगैरह वगैरह, तो ध्यान रखना कौन सी इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसप्लेसेंटल को, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, तो IgG, कौन सी IgG, और कौन सी नहीं करती है IgM, क्योंकि ये सबसे मोटी होती है। क्लियर है भैया?
उसके बाद में देखिएगा, हेपेटाइटिस ए हो गया, डायरिया हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, ये कंटेमिनेटेड फूड से फैलते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछने वाला सॉरी हेपेटाइटिस ए फीको और रोड से फैलता है, हेपेटाइटिस बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का आ गया, सॉरी ब्लड कॉन्टेक्ट से आ गया, सबसे ज़्यादा ब्लड कॉन्टेक्ट से। उसके बाद में सी आ गया जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आ गया, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आ गया सी, हेपेटाइटिस सी। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं डेंगू, और डेंगू किसकी वजह से होता है, एडिस एजिपटाई की वजह से, और टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं, एडिस एजिपटाई और टाइगर मॉस्किटो, या इसी को अरबो वायरस बोलते हैं, अरबो वायरस बोलते हैं, याद रख लेना। मलेरिया प्लाजबोडियम फैल्सिफेरम और मादा एनाफिलीज की वजह से फैलता है, कालाजार लिस्मानिया डोनोवानी और सेंडफ्लाई, ठीक है ये याद रख लेना, वेक्टर बोरन डिजीज है। उसका एक कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट हमेशा पाए जाते हैं, सेकंड मोलोटिथ लोअर मोलोटिथ, कहाँ पे, सेकंड लोअर मोलोटिथ पे, और शार्ट लाइक इसकी अपीयरेंस होती है, और इसको अपने कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट बोलते हैं, कहाँ पे, मीजल्स में, मीजल्स को क्या बोलते हैं, रूबियोला। मम्स क्या है, मम्स एक एक्यूट इन्फेक्शन है, मोस्टली इसके अंदर पैरोटिड जो ग्लैंड होती है, कौन से पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, वो अफेक्ट होती है। इसके अलावा बात करें माउथ की, माउथ मसल की स्टिफनेस आ जाती है मम्स के अंदर। इसके जो अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो ध्यान रख लेना, मम्स के जो मोस्टली कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ओपीएम होता है, क्या होता है ओपीएम याद रख लेना, ओरसाइटिस, ओरसाइटिस ऑफेराइटिस, इसके अलावा पोलियो, एसेप्टिक मैनिजाइटिस और मैनिजाइटिस। तो एसेप्टिक मैनिजाइटिस ऐसे याद रख सकते हो, पोलियो हो गया और ओरसाइटिस और ऑफेराइटिस हो गया। तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो होगा वो होगा चिल्ड्रंस के अंदर, और ओफेराइटिस जो और ओवेराइटिस सॉरी ओरसाइटिस जो होगा वो एडल्ट के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट जो क्यूनिन जो ड्रग देते हैं अपने, क्यूनिन जो ड्रग देते हैं वो मलेरिया के अंदर देते हैं, क्यूनिन डीओसी रहती है मलेरिया के अंदर। इसके अलावा प्रामेक्विनोन मेनाक्विनोन का इंजेक्शन देते हैं मलेरिया, क्यूनिन देते साथ में आपको ग्लूकोज देना चाहिए क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिया कराती है, स्लिम डिजीज किसको बोलते हैं, एचआईवी को ट्रीटमेंट, एचआईवी का एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलती है, मोस्टली जो जीडोविन होती है प्रेगनेंसी के अंदर सेफ है। और इसके अलावा जो वर्टिकल ट्रांसमिशन न हो, बच्चे के अंदर न जाए, उसके लिए नावीरा पाइम देते हैं, कौन सी नावीरा पाइम कौन सी देते हैं, फर्स्ट केस एचआईवी का चेन्नई के अंदर आया था 1986 के अंदर, ये आप याद रख लेना। रेबीज लेस द वायरस, सबसे ज़्यादा मोर्टिलिटी होती है 100% किसकी, रेबीज की, टाइप 1.5 2, क्लियर है भैया। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसस 10 साल पे लेते हैं, और 1881 के अंदर पहली सेंसस ली गई थी, क्लियर है भैया, वो एवरी 10 साल। ट्राइज सिस्टम होता है, ये कौन सा ट्राइज सिस्टम, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर अपने करते हैं। सिलिकोसिस डिजीज, ये ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर एक्सरे के अंदर स्नो स्टोरम अपीयरेंस मिलती है, ये सी एक्ट कब आया था, तो 1948 के अंदर। इसके देखिए फर्स्ट जनरेशन जो आईयूडी होती है, इंट्रायूटराइन वो जो होती है, वो होती है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जैसे लिप्स लूप, कौन से लिप्स लूप होती है फर्स्ट जनरेशन। और सेकंड जनरेशन में आपकी जैसे कोपर्टी हो गई, ठीक है, कोपर्टी 200 300 सी, ये सारी सेकंड जनरेशन। और थर्ड में जो हार्मोनल वाली जो मेडिसिन आएगी, जैसे मेरेना हो गई, ये सारी किसके अंदर आएगी, हार्मोनल जो वो थर्ड जनरेशन में आएगी। कोपर्टी इंस्टॉलेशन का टाइम 7 से 10 दिन रहता है ड्यूरिंग मेंसेस और फर्स्ट वीक ऑफ आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद फर्स्ट वीक, ब्लीडिंग इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहता है, और पेन के दवा पेन होगा तब अपने रिमूवल कर देंगे, क्या कर देंगे, रिमूवल कर देंगे। कंबाइंड जो पिल्स है, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाली, एग्जाम्पल रहेगा मालाइन मालाडी, ये आपको याद रखना। उसके बाद में एमटीपी एक्ट 1971 के अंदर, मैं भी जो आप 24 वीक तक आप एमटीपी कर सकते हो, कितने वीक तक, 24 वीक तक, चाहे मैरिड है अनमैरिड है दोनों के लिए, अभी ये बन गया। मिशन इंद्रधनुष 26 दिसंबर 2014, प्लीज़ रीचेक इसको, 26 दिसंबर 2014। पोलियो 2024 के अंदर डेट 27 मार्च 2004 के अंदर, 27 मार्च 2004 के अंदर पोलियो इरेडिकेट हो गया था। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953, उसके बाद में देखिएगा नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955, मिड डे मील 1961, स्कीम 75 में आई थी, चेक कर लेना, मिड डे मील प्रोग्राम है ये 1961 के अंदर। नेशनल गोइटर 1962, नेशनल कैंसर कंट्रोल 1975, उसके बाद नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम 1976,
एड्स कंट्रोल 1987, जननी सुरक्षा योजना 2005, भोरे कमेटी 1946, और इसी को बोलते हैं हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। मुडालियर कमेटी को बोलते हैं हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। कन्फ्यूज नहीं होना, बी डी, ठीक है, बी डी याद रख लेना। यहाँ पे एमपी जो है मुडालियर जो है। उसके बाद में बात करते हैं अपने करतार सिंह कमेटी की। 1976 के अंदर अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा हुआ है, एक बार याद रख ली, करतार सिंह कमेटी। उसके बाद WHO 7 अप्रैल 1948 हेडक्वार्टर जनेवा के अंदर स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948 हेडक्वार्टर जनेवा। यूनिसेफ 1946 हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, जहाँ पे एन आ जाए जिसके अंदर मोस्टली, तो वहाँ पे आपको न्यू दिल्ली, जैसे इंडिया का होगा तो न्यू दिल्ली आएगा और न्यूयॉर्क आएगा। जैसे यूनिसेफ का कहाँ गया इसके अंदर, वो भी आपको पता ही है, GOBI यूनिसेफ के अंदर मोस्टली। वो भी ग्रोथ मॉनिटरिंग के अंदर, ग्रोथ मॉनिटरिंग हो गया और रिहाइड्रेशन हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग हो गई और इम्यूनाइजेशन पर फोकस किया गया था। उसके बाद में आ गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 हेडक्वार्टर रोम के अंदर है इसका। उसके बाद में आप याद रख लेना इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन जिनेवा के अंदर है। उसके बाद में आपका मोस्टली जो रह गया, थैंक यू।